नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो LCD LED TV के पैनल के जो कफ होते हैं, जो कि सोर्स PCB पे लगते हैं, उसके सोल्डिंग के ऊपर है। जो कि ये हमारा जो नॉर्मल फॉल्ट आते हैं, जैसे लूज हो जाना या ड्राई हो जाना कफ का, और अगर दबाने पे वो सही हो जा रही है पिक्चर, तो उसकी सोल्डिंग के लिए हमने जो है एक ऑप्शन आपको बताना है। उस जैसे ये कफ है और इसके ऊपर जो लगे लेयर, इसको आस्ते से उतार के, और इसके बाद ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कफ, इसकी जो लास्ट वाला एकदम कॉर्नर पे, उसको एक स्केल से रख के और इस किसी नाइफ से इसे जो है बारीक या ब्लेड से इसे ऐसे आगे से जो है हल्का सा कट कर देना है। और कट करने के बाद इस कफ के ऊपर सोल्डिंग पेस्ट लगा के और इस पे जो है आयरन से सोल्डिंग इसी तरीके से लगाना है। ये सब आपको सबसे पहले आपको किसी पुराने स्केलर PCB और कफ पे ट्रायल करके और अपने हैंड को क्लियर करना है, सोल्डिंग के लिए रेडी करना है, तब आप इसे किसी वैसे पैनल पे यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सोल्डिंग का हाथ जो है साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसे जो है सफाई से कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ओल्ड PCB और कफ चाहिए, और चूँकि स्केलर PCB बहुत से पुराने पैनल के मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सबसे पहले इस फार्मूले को ट्रायल करना है। और उसके बाद जो है जैसे जैसे इसमें बताया गया है उसी के अनुसार आपको करते जाना है, और जब आप एक दो बार सोल्डिंग करेंगे तो आपका हैंड भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो टिप्स है, ये आपको हम केवल सोर्स PCB पे सोल्डिंग के लिए बताए हैं, ना कि ग्लास एरिया का। ग्लास एरिया की जो सोल्डिंग होगी वो सिर्फ उसकी जो ये बॉन्डिंग मशीन से ही हो पाती है। ये हम आपको सिर्फ नॉर्मल काम के लिए, ये सिर्फ सोर्स PCB पे इसको इस आइडिया को यूज करना है, ये ग्लास एरिया का ये नहीं है। क्योंकि इसलिए बता दिए हैं क्योंकि कफ निकालते समय ये ना हो आप ग्लास एरिया का कफ आउट कर दें, क्योंकि वो निकलने के बाद उसे सिर्फ आप बॉन्डिंग मशीन से ही सही कर पाएंगे, या तो अगर कफ आपको चेंज होना होगा तो भी वो बॉन्डिंग मशीन से ही अवेलेबल है। बाकी ये नॉर्मल जैसे हमारा लूज कॉन्ट्रैक्ट या और जो सोर्स PCB पे है ड्राई हुआ, या कुछ सोल्डिंग ओपन हो जाता है या ढीला हो जाता है, तो ये पूरा आप जो है इसकी सोल्डिंग इसी तरीके से सोर्स PCB पे कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर सिंगल कफ की है या डबल कफ की पैनल है, तो आप पूरे सोर्स PCB को भी चेंज कर सकते हैं इससे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।